बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और चलिए अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में कुछ और बड़ी खबरें। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक में राजस्थान पर बड़ा फैसला, 54 उम्मीदवारों के नामों पर लगी मुहर, 6 सांसदों को टिकट मिलने की संभावना। गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, राहुल कस्वा, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी को टिकट देने की तैयारी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की 69 सीटों के लिए उम्मीदवार तय, 1-2 दिन में जारी हो सकती है सूची। दिल्ली में महिला कांस्टेबल मोनिका यादव की मिसिंग मिस्ट्री में खुलासा, हेड कांस्टेबल ने की थी हत्या। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, महिलाएं और शिक्षकों ने निकाला है शांति मार्च। महाराष्ट्र के पालघर में युवक ने व्हाट्सएप पर लगाया देश विरोधी स्टेटस, हिंदू संगठनों का हंगामा, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाला युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बिहार के सीतामढ़ी में छात्रा की गोली मारकर हत्या, खिड़की से फायरिंग कर वारदात को दिया गया अंजाम। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 300 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद, 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। गाजियाबाद के हिंडन विहार इलाके में आग लगने से अफरा तफरी, प्लास्टिक गोदाम जलकर हुआ खाक। गुजरात के मोरबी में बस में लगी आग, सर्विस स्टेशन पर खड़ी बस बनी आग का गोला। ओडिशा के मयूरभंज में आबादी के करीब पहुंचा हाथियों का झुंड, एक साथ 40 हाथी देख लोगों में मची दहशत। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत भारतीय रेलवे की नई पहल, अब सिर्फ 14 मिनट में होगी वंदे भारत ट्रेनों की सफाई। मुंबई में लालबाग के राजा को चढ़ाए गए आभूषणों की हुई नीलामी, गहनों की कीमत करीब 2.5 करोड़। चारधाम यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार, केदारनाथ धाम में हर दिन पहुंच रहे करीब 18,000 श्रद्धालु। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी, राम जन्मभूमि पहुंच रहे संत, सामने आई कार्यक्रम की तस्वीर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।